बरेली में पुलिस की गश्ती पर एक बार फिर सवाल खड़े हुए हैं। पुलिस की नाक के नीचे एक बार फिर चोरों ने एक धार्मिक स्थल को अपना निशाना बनाया। तड़के 2 बजे चोरों ने इज्जत नगर क्षेत्र के शिव पार्वती मंदिर के दान पात्र को खाली कर दिया और मौके से फरार हो गए। चोरों की ये करतूत मंदिर में लगे सीसीटीवी के अंदर कैद हो गई। मंदिर के महंत ने बताया कि दान पात्र में 1000 रुपए थे। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है कि चोरों ने बड़े आराम से घटना को अंजाम दिया और मौके से खिसक लिए। सुबह लोगों को घटना का पता चला तो आक्रोश फैल गया। स्थानीय लोगों की माने तो सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दी गई है, लेकिन फिलहाल कोई सुराग हाथ नहीं लगा है। आज जो है लगभग 2:45 के करीब जो है वो चोर घुस करके जो है सीसीटीवी यहाँ पर लगा हुआ है मंदिर पे, तो वहाँ पे देखे कि दान पात्र जो है उठाया और उठा करके दूसरी जगह बरामदे में ले जा करके वहाँ पे तोड़ा है और तोड़ करके जो है आराम से घर करके फिर जो लेकर भाग गया। पीछे हमारा लड़का भी देख लिया, मतलब खुटपुट हुआ लड़का आया तो तक लड़का देखकर फिर भागा। पीछे पीछे हमारा लड़का भी गया, लेकिन जो अकेले होने के नाते डर के मारे कह रहा था मैं गोली मार दूंगा। बरेली के चंदपुर बिजपुरी में बीडीए की तरफ से सैकड़ों मकानों को अवैध बताते हुए नोटिस दिया गया है, जिसके बाद से स्थानीय लोगों की बेचैनी बढ़ती चली जा रही है। बुधवार को कुछ स्थानीय लोग बीडीए दफ्तर गुहार लगाने पहुंचे। लोगों का कहना है कि सालों से यहां रहते आए हैं, बीडीए आज उसे अवैध बता रहा है। उधर चंदपुर के लोगों के साथ रजा एक्शन कमेटी से जुड़े पदाधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि किसी कीमत पर चंदपुर के लोगों के साथ नाइंसाफी नहीं होने दी जाएगी। उधर बीडीओ उपाध्यक्ष का कहना है कि रामगंगा आवासीय योजना 271 हेक्टेयर में फैली है, जिसके कुछ घाटों पर किसानों को मुआवजा दिया जा चुका है। इन पर अवैध कब्जा है, लिहाजा शासन की मंशा अनुरूप काम किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों के पास बैनामे हैं वो बीडीए को दिखा सकते हैं, उन्हें पूरा मौका दिया जाएगा। बीडीए का कहना है, जोगिंदर सिंह साहब का कहना ये, अभी हम लोग मुलाकात करके नीचे उतरे हैं, उनका ये कहना है कि हमने 2004 और 2006 में कंपनसेशन किसान को दिया है। 2004 और 2006 में, जबकि इन लोगों ने 86 में अपने मकान वहाँ पे रजिस्ट्री है, कुछ लोगों के पास रसीदी टिकट पे स्टैम्प करे हुए हैं, कुछ लोगों के पास नोटरी है, समझे, सारी चीज़ें उनसे गुप्त की हुई हैं। एंड में उन्होंने आश्वासन ये दिया है कि हम थोड़ा सा वक्त देंगे आपको और मैं बेस्ट ऑप्शन इन लोगों के लिए दूंगा। देखिए, जो बरेली विकास प्राधिकरण है, इसकी एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है रामगंगा आवासीय योजना, जो 271 हेक्टेयर में फैली हुई है। इसके कुछ घाटे हैं जिनका अवार्ड हो चुका है, कंपनसेशन किसान द्वारा उठा लिया गया है। उन घाटों पर अवैध कब्जे हैं, उन्हीं अवैध कब्जों को जो राज्य सरकार है उसकी भी मुहिम है कि जितने भी सरकारी भूमियों पर अवैध कब्जे हैं, चाहे वो प्राधिकरण की भूमि हो, चाहे वो जीएस लैंड हो, चाहे वो सरकारी विभाग की किसी की भी ज़मीन हो, उसी के तहत हम लोग अपनी जो ज़मीन है, सरकारी ज़मीन, वो वापस की ले जाने की जो प्रक्रिया है उसको, मतलब हम लोगों ने स्टार्ट किया है, उसी के तहत इन लोगों को नोटिस जारी हुआ है। बरेली में विश्व हिंदू परिषद का राम मंदिर निर्माण के लिए नीति समर्पण अभियान 15 जनवरी यानी शुक्रवार से शुरू होगा, जिसके एक दिन पहले खुशलोक अस्पताल में विश्व हिंदू परिषद की एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन के विभागीय अध्यक्ष पवन कुमार अरोड़ा ने बताया कि मंदिर निर्माण में 3000 की जो राशि निर्माण में लगनी है उसके लिए बड़े घरानों से भी ऑफर आए हैं, लेकिन श्री राम लला के मंदिर को जन जन का मंदिर बनाने के लिए 10 रुपए से लेकर 100 रुपए और 1000 रुपए तक का कूपन रखा गया है। इसके अलावा कोई अगर 2000 या उससे ज्यादा की राशि देगा तो उसके लिए रसीद की व्यवस्था की गई है। 10 रुपए का कूपन बनाने का मकसद यही है कि गरीब से गरीब परिवार मंदिर निर्माण में अपना सहयोग दे सके। इस मंदिर को जन जन का मंदिर बनाने के लिए हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि हम जो है प्रत्येक गरीब परिवार से भी इसके जो है धनराशि लेंगे और इसी के लिए हमने इसको निधि समर्पण अभियान के तहत इसको प्रारंभ किया है। और 10 रुपए की जो कूपन रखा है उसका मेन उद्देश्य यही है, जो कमजोर से कमजोर, गरीब से गरीब व्यक्ति भी इसमें 10 रुपए देके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा। इसमें हमारा मेन काम यह है कि हम इस अभियान को हर स्तर पर ले जाएं, हर घर तक पहुंच पाएं और हर घर तक संदेश जाए कि इससे जुड़ना जरूरी है। हर बच्चे को, हर जवान को, हर महिला को, हर बहन को मैं आपको जुड़ना जरूरी है। बरेली नगर निगम की तरफ से गांधी उद्यान में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कोरोना काल के दौरान भी स्वच्छता मिशन के लिए काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। मेयर डॉक्टर उमेश गौतम ने बताया कि सम्मानित लोगों से ये अपेक्षा की गई है कि वह कम से कम 100 या 50 लोगों को अपनी तरह बनने की प्रेरणा देकर बरेली की स्वच्छता रैंकिंग को सुधारने के लिए प्रयासरत रहें। वहीं नगर आयुक्त अभिषेक आनंद ने बताया कि बीते दिनों स्वच्छ होटल, स्वच्छ अस्पताल और स्वच्छ दफ्तर की एक प्रतियोगिता कराई गई थी, जिसमें अच्छा प्रदर्शन करने वाले संस्थानों को भी सम्मानित किया गया है। देखिए, स्वच्छता कोरोना के संकट काल में भी जिन लोगों ने स्वच्छता के लिए काम किया है, ऐसे व्यावसायिक प्रतिष्ठान, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और एनजीओस और या जो
स्टूडेंट्स, जिस भी तरह के लोग हैं जो स्वच्छता में बरेली में सहयोग कर रहे हैं, उनको आज सम्मानित किया गया है उनके अच्छे कार्यों के लिए। और सम्मानित होने के बाद उनसे ये अपेक्षा भी की गई है कि वो अपनी तरह और लोगों को भी बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए, बरेली नगर निगम के द्वारा बहुत सारे इनिशिएटिव चलाए जा रहे हैं। हम चाह रहे हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण और स्वच्छता से बरेली की जो जनता है, बरेली के जो विभिन्न सामाजिक संगठन हैं, चाहे व्यापार मंडल हैं, होटल्स वाले हैं, हॉस्पिटल्स वाले हैं, और भी जो NGOs काम कर रहे हैं, हमारे छात्र हैं, हमारे स्कूल हैं, वो सब जुड़े। उसी के क्रम में हम लोगों ने पिछले कोविड के काल के दौरान और पिछले 3-4 महीनों में जिन संगठनों ने अच्छा काम किया है, उन सबको हमने सम्मानित किया है। हमने पिछले महीने स्वच्छ होटल, स्वच्छ हॉस्पिटल, स्वच्छ ऑफिस, इन सब की कंपटीशन भी कराई थी, तो उसमें जो विनर्स निकल गए हैं उनको भी सम्मानित किया है। गुरुवार को शहर में जगह जगह मकर संक्रांति का उत्साह देखने को मिला। जगह जगह लोग खिचड़ी भोज का आयोजन करते दिखे। बरेली ऑटो यूनियन और चौपला के दुकानदारों के सहयोग से चौपला चौराहा के नजदीक मकर संक्रांति के मौके पर खिचड़ी सहभोज का कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने खिचड़ी का प्रसाद दिया। वहीं श्री शिरडी साईं सर्वदेव मंदिर श्यामगंज में भी मकर संक्रांति के मौके पर सुबह 8 बजे से बिना ब्रेक 14 घंटे खिचड़ी भोज का आयोजन चला, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तों ने खिचड़ी का प्रसाद ग्रहण किया। बरेली के बहेड़ी में बीती रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक चलती कार आग का गोला बन गई। कार चालक ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना देने के बावजूद दमकल की गाड़ी समय से नहीं पहुंची। बताया जा रहा है कि कस्बा निवासी जाबिर बरेली से किसी काम से अपनी कार से गए थे। शाम को लौटते वक्त बागेश्वर मार्ग गाँव जाम सावन के नजदीक हादसा पेश आया। कार चालक ने अपनी कार रोड किनारे खड़ी की और जैसे ही बाहर निकला, आग ने विकराल रूप ले लिया। देखते ही देखते कार धू कर जाने लगी। राहगीरों ने घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी, लेकिन फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंची, जिसके बाद गांव वालों ने बाल्टियों से पानी डालकर आग बुझाई। तब तक कार पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थी।